गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अगेन हम लोग काफ़ी सारे स्कूल्स की वैकेंसीज डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को हरियाणा की वैकेंसी बता रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम सेफ्रॉन पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद, अशोक एनक्लेव सेकंड, सेक्टर 37। आप लोगों को देखेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें PGT फिज़िक्स की वैकेंसी आई है। दिस इज़ टुडेज़ वैकेंसी ओनली 21 अक्टूबर, फ्रॉम path2job.com। इसमें आपकी जो वैकेंसीज़ आई हैं, दे आर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिज़िक्स, PGT इंग्लिश, PGT इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, TGT ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब TGT में आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर, जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई। देन PRT की वैकेंसीज़ है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS, कंप्यूटर। देन PTI फॉर सीनियर क्लासेज एंड नर्सरी टीचर। एक ऑप्शन ये है कि आप HR@sephronpublicschool.ac.in पे अपने लेटेस्ट CV को मेल कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी वेबसाइट sephronpublicschool की .ac.in/career/। यहाँ पे जब आप लोग नीचे आएंगे, इधर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड आफ्टर फिलिंग इट। आपको यहाँ पे नेम भरना है, फ़ोन, ईमेल, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म और फिर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को इधर अपलोड करेंगे। ऐसा मत करिएगा कि पहले ये भर लिया उसके बाद वो कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ इनका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सेफ्रॉन पब्लिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको लिखना है पोजीशन अप्लाइड फॉर, नेम इन फुल ब्लॉक लेटर्स में आएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिलीजन, कम्युनिटी, नेटिव प्लेस, मदर टंग, आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, देन बाकी की डिटेल्स, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ट्रेनिंग आपने कहाँ से करी, आपके प्रीवियस आप कौन से स्कूल में जॉब करते थे, देन आपकी प्रेजेंट सैलरी और सारी रिक्वायरमेंट्स डिटेल्स। कोई ऐसा रिलेटिव जो सेफ्रॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज में, मतलब सेफ्रॉन ग्रुप मतलब काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इस पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। 3 रिस्पॉन्सिबल पर्सन दैट आर नॉट रिलेटेड टू यू, हु विल वॉच यू फॉर योर कंडक्ट, इन मतलब आपके बारे में, आपके वर्क परफॉर्मेंस के बारे में, आपके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में नॉलेज ली जाएगी। तो ऐसे 3 लोगों का नाम लिखना है जो आपके रिलेटिव्स ना हो। आप लोग अपने कलीग्स का नाम दे सकते हैं अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो ये आप फिल कर देंगे और फिर अपलोड कर देंगे उधर एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट आपकी KIIT वर्ल्ड स्कूल गुरुग्राम की वैकेंसी है, सोना रोड, मारुति कुंज, गुरुग्राम, हरियाणा। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं, दे आर फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिशन काउंसलर, PRO मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, प्री प्राइमरी मदर टीचर, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट एंड क्लर्क। आपको सिर्फ इस ईमेल आईडी पे careers.gurugram2024@gmail.com पे अपने लेटेस्ट CV को मेल करना है। ये भी आपकी आज ही की वैकेंसीज हैं। बस ध्यान रखेंगे KIIT स्कूल जो है, सेफ्रॉन स्कूल जो है, जब भी आप लोग किसी भी स्कूल में अप्लाई करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रिटन टेस्ट के लिए, डेमो के लिए और अपने इंटरव्यू इन इंग्लिश के लिए हमेशा तैयार रहना है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन होता है ऐसे अच्छे स्कूल्स। नेक्स्ट वैकेंसी जो है, इट इज़ फ्रॉम केरला एजुकेशन सोसाइटी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, RK पुरम। ये आपका जो स्कूल है, सेक्टर 8, RK पुरम में है। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, दे आर फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, लेक्चरर, कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर हिस्ट्री, TGT कंप्यूटर साइंस, TGT मलयालम एंड TGT नेचुरल साइंस। अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इनकी गिवन ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे इसकी एडवर्टाइजमेंट दे रखी है। और ये आपकी वैकेंसीज हैं, आप अगर आप केरला स्कूल RK पुरम की वेबसाइट पे जाएंगे, आप लोगों को यहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। तो 2 वैकेंसीज हैं नर्सरी टीचर की, असिस्टेंट टीचर की भी 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको एप्लीकेशन पूरा कम्प्लीटली फिल करके 11 नवंबर से पहले या 11 नवंबर तक इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। या आपके रिक्रूटमेंट रूल्स दे रखे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। वैकेंट पोस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ आप देख सकते हैं, लेक्चरर के लिए क्या वैकेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स दे रखी है, 30 साल है आपकी, एंड CTET आपका paper 2 के क्लियर होना चाहिए। नर्सरी टीचर के लिए भी 30 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सी, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है तो इसमें एज लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। असिस्टेंट टीचर के लिए भी 30 साल की एज लिमिट है।
MTS के लिए 18 से लेके 25 साल तक है। MTS में आपकी पीओन की, माली, चौकीदार, स्वीपर, ये सारी वैकेंसीज़ आ जाती हैं। सो आज की वैकेंसीज़ इतनी ही है। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।